unfortunately, no questions. Yay! Thank you very much. But I can't tell how to satisfy you. चलो मैं एक पूछ लेना। अनिल जी बहुत बड़ा काम करते ने और अगर आप रूबरू वाला सैशन देखिए तो इन्हों की जोड़ी बुक है इंस्पायरिंग बुक जी इन्होंने पब्लिश की है ये उसका ही एक हिस्सा आप सोचते हैं भी थोड़ा जहाँ किया है भी ऐसी परसनैलिटी के नाल गलबात करते रहिए उन्होंने अच्छी भी एक हो मेरा ये कि नीरजा भनोट के नाते जी संस्था भी चला रहे हो तो क्योंकि मेरा संबंध थिएटर नाल है तो थोड़ा वो अजे इंट्रस्ट नहीं है तो असं इंट्रस्ट भी क्रिएट करिए तो मेरा तो यही सब तो व्डा हूँ अज काम मैं मिल गया अगले पाँच साल के तो मैं चाहता कि नीरजा भनोट के नाते कोई असी इदा का थिएटर फैसटिवल चाहे वह वूमन डायरेक्टर्स का फैसटिवल हो चाहे जिहड़ा सानू लगता है कि थिएटर के बीच चिल्ड्रन थिएटर फैसटिवल नहीं होता या बच्चों का रंगमंच नहीं होता जिदे असी बच्चों इंस्पायर कर सकते कि इस तरह करके कि नीरजा भनोट के नाते या तो कोई बच्चों का रिलेटिड बाल रंग उत्सव के नाते या कोई महिला उत्सव के नाते कुछ ऐसा किया जाए जिदे जी सारी बच्चों इनकरेज किया जाए तो असी थोड़ा सहयोग उसके दो फायदे होंगे एक तो जो आजकल के बच्चे आजकल की जनरेशन है मुझे नहीं पता आप इस चीज़ को मानते हो कि नहीं मानते थिएटर से दूर जाती जा रही है बच्चे इंट्रोवर्ट होते जा रहे हैं मोबाइल में घुसे हुए हैं नहीं वो उन चीज़ों को फील कर रहे जो थिएटर में मज़ा है तो उससे दो फायदे होंगे अगर बच्चों और लेडीज़ को लेके किया जाए एक तो बच्चों का थिएटर की तरफ रुझान बढ़ सकता है और दूसरा नीरजा के लिए इससे अच्छी श्रद्धांजलि और कोई नहीं हो सकती उसके बल्कि तीन फायदे हो जाएंगे मतलब दो आपने बोल दिए तीसरा जो अनिल जी थिएटर से दूर है वो पास हो जाएगा वैसे आपको और भी बता दूं यदि यहाँ पे कोई पंजाब यूनिवर्सिटी से छात्र हैं तो पंजाब यूनिवर्सिटी में भी जाएंगे तो आपको नीरजा भनोट हॉस्टल भी वहाँ पे मिलेगा देखने को वो हॉस्टल का नाम कौन सा नंबर हॉस्टल है सर वो 10 नंबर हॉस्टल है वो नीरजा भनोट हॉस्टल 9-10 हाँ इनफैक्ट लास्ट ईयर व्हेन दे हैड द एनुअल फंक्शन दे इनवाइटेड अस फॉर दैट एंड दीस गर्ल्स आर प्रेजेंटेड अ प्ले ऑन नीरजा व्हिच वाज फैंटास्टिक रियली वेरी वेरी डन प्ले उधर ही किया है हॉस्टल बस अनिल जी बिल्कुल मना नहीं करते आपने बस प्रस्ताव रखा उन्होंने अभी ओके कर दिया है अब आप कागज जल्दी ले आओ रोटरी क्लब को अगर ज्वाइन करना तो क्या फॉर्मेलिटीज हैं क्या चार्जेस हैं और उन्हें हम लेडीज क्या क्या काम कर सकते हैं रोटरी क्लब ना बेसिकली अलग अलग क्लब्स हैं चंडीगढ़ में 6-7 क्लब हैं सबके अलग अलग सिस्टम है मैं अपने क्लब का बात करता हूँ मेरे क्लब का नाम है रोटरी चंडीगढ़ शिवालय एंड हमारी एक एवरी वीक वी मीट ट्यूजडे को हमारी मीटिंग होती है इट्स अ डिनर मीटिंग सो नेचुरली देयर आर 52 मीटिंग इन अ ईयर सो नेचुरली यू गॉट टू पे फॉर द 52 मीटिंग गेटिंग डिनर आउट देयर सो द एनुअल फीस व्हाट वी चार्ज इज 18,000 रुपीस व्हिच इंक्लूड द 18,000 इंक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ डिनर पर एन अच्छा क्या कर सकते हो उसमें वो आपके ऊपर रोटरी ये नहीं बोलता है करो रोटरी बोलता है ये प्रोजेक्ट है कम एंड हेल्प सो पीपल कम एंड हेल्प कला का मंच है और कलाकार ना जब तक उन्हें एक मेजर ब्रेक नहीं मिलता ना सर वो थोड़े कंफ्यूज घूमते हैं कि उनको वो सोचते हैं और कितनी मेहनत करें पता नहीं किस्मत कब चमकेगी कब नहीं चमकेगी पता नहीं जो हम काम कर रहे हैं पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है बड़े ही लाइफ ना सस्पेंस में चली जाती है और वेटिंग पीरियड बहुत लंबा जाता है इन कलाकारों को आप एक गोल्डन टिप क्या देना चाहेंगे गोल्डन टिप तो पता नहीं पर मैं तो अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ कि मैं आई गो एंड मीट ऑल दीज इंस्पायरिंग पीपल मैं इंटरव्यू खुद करता हूँ एंड वन थिंग विच केम आउट वेरी क्लियरली जितने भी सक्सेसफुल बंदे हैं इन्होंने दे नेवर बॉदर्ड विद मनी इन्होंने दिल से करना कर लिया बस अक्रॉस आप मेरी स्टोरी भी पढ़े उसमें आपको ये फैक्टर मिलेगा कि जिसमें उनको इंटरेस्ट है वो करते करते हैं एंड दे आर सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ दैट आई एम श्योर बोथ ही जेंटलमैन विल एग्री विद मी कि मनी इज नॉट द क्राइटेरिया मनी का भूलो जो दिल में पसंद है वो करोगे अच्छा ही होगा डू व्हाट यू लाइक टू डू एंड यू डू इट वेरी वेल दैट्स इट और कोई सीक्रेट ऑफ सक्सेस नहीं है यू मस्ट एंजॉय एवरीथिंग विच यू डू नहीं तो करो ये टच ही मत करो यार
करो वही जो इंटरेस्टिंग है, तो डोंट डू इट। मेंटल सेटिस्फेक्शन बड़ी जरूरी है जी। आज मैं फिजिकली फिट नहीं हूँ, मैं ब्लाइंड हूँ, लेकिन मैं फिर भी खुश हूँ क्योंकि मैं मेंटली फिट हूँ, है ना। अगर हम मेंटली फिट है और पॉजिटिव है ना, अगर हमारी इंटेंशन ठीक है तो सारे काम अच्छे होंगे। मैंने लाइफ में एक चीज़ देखी है, बाकी तो आप सभी बड़े हैं, समझदार हैं, मैं तो आप सबसे बहुत छोटा हूँ। तो यही है कि मेंटल सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी है, अगर आप उसको इंटेंशन को लेकर चली जाओगे तो सारे काम अच्छे होंगे। बस थैंक यू। मैं शुक्रगुजार हूँ थिएटर फॉर थिएटर चंडीगढ़ का, सुदेश जी का और पूरी टीम TFT चंडीगढ़ की, ये मंच देने के लिए हमारी इस रूबरू के लिए। मैं गुजारिश करूँगा सुदेश जी से, सर आप आए। दोस्तों अनीश फ्लोर जी नाल दिल दिया गल्ला कीतिया, इन्होंने भी अपने दिल दिया गल्ला दसियां। जिन्ने भी दिन असी हम रूबरू करते आ रहे हैं, एक गल तो निकल के आई है भी जेड़ा भी काम 100% दिल तो किया जाता, अपनी रूह तो किया जाता है, वह माइलस्टोन बन के निकलते हैं। चाहे वह किरपाल कजाक नाल आप गल कर रहे थे, चाहे सरप्रिय निर्दोही नाल होवे, कतरे नाल और दर्दी साहब, जिन्हें भी हम रूबरू हुई हैं उन्होंने सबका भी एक ही गल आई है, और अपना जी कंसनट्रेशन है वो जिस काम में तुम लाओगे वो 100% लगा। लेकिन फिर भी बड़े लोगों का ही होता है कि भाग्य साड़ा की है, भाग्य किस तरफ लेके जाता है, ये तो बहुत लोग यकीन करते हैं। तो ज़्यादातर लोग एक सेक्टर न्यूज़ दे विच आपका भविष्य आता है उस ज्योतिषी पर बहुत यकीन करते हैं, लेकिन मैं यही पूछना चाहता अनीश जी को, वो ज्योतिषी कौन है? जी हाँ देवी और सज्जनों, मेरा टेवे नाम लीला तारा है, लीला तारी उस जी पंडित लीला भर ने, तो लीला भर की की लीला है ये नहीं किसी ने भी समझ आई, ये रहस्य है, पूरा रहस्य अनीश जी को ही है, तो असं उन्होंने को ही रखते हैं ताकि दोबारा फिर उस रहस्य को जानने लिए दोबारा फिर बुलाइए। एक बार फिर शुक्रिया अनीश जी, थोड़ा तेजस्वी जी शर्मा जी, थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद है। और एक स्मृति चिन्ह, एक मोमेंटो छोटा जहा यादगारी, ताकि TFT के इस फेस्टिवल चाहे अनीश जी को याद रहे, तो कभी असी नीरजा पनोर के नाते इदा का कोई उत्सव उसारी जो वूमन डायरेक्टर के उत्ते हो, जोड़ा चिल्ड्रन थिएटर के उत्ते हो, और क्लासीकल संगीत के गुरु विनोद पवार जी को कहंगा कि वो ऑनर करन अनीश पनोर जी को। सारिया का धन्यवाद। 10 मिनट की ब्रेक, ये तो बाद अज दो ग्रुप के एग्जीबिशन का नवा दिन है, और अनीश भरोड़ जी ही उसको इनोग्रेट करेंगे, फिर शाम का नाटक इलाहाबाद तो आई टीम जिहड़ा नौटंकी शैली के विच नाटक करेगी, आला अफसर इंस्पैक्टर जनरल का अनुवाद अडैप्टेशन वो शाम असीं देखांगे, उहदे वी डायरैक्टर आत्मजीत ने, ये आत्मजीत लखनऊ वाले ने, अपने मोहाली वाले नहीं है।